हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर मीनल जैन। डिल्यूजन पुअर ही इसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक और रेमेडी लेकर आई हूँ। उस रेमेडी को स्टार्ट करने के पहले देखते एक छोटी सी केस। केस कुछ इस तरह से थी कि एक लेडी मेरे पास ओटाइटिस मीडिया की कंप्लेंट्स लेकर मेरे पास आती है, ठीक है। उसके केस कुछ इस तरह से थी कि वो मुझे बोलती है कि मैडम बोले मेरे कान में से ना बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पानी निकल रहा है, कभी ब्लड निकलता है, कभी येलो कलर का निकल रहा है पानी बोले, और बहुत ज़्यादा कानों में दर्द है। इस कान के दर्द की वजह से बोले मुझे रात भर नींद नहीं आती है, और मुझे रात को नींद नहीं आती है बोले उसकी वजह से मेरा पूरा असर बोले पूरे जो दूसरा दिन होता है बोले मैं दिन भर ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ बोले। रात को नींद नहीं होती है और दिन में काम में मन नहीं लग रहा है उसकी वजह से। और सब लोग बोले वो जो कान में से ना बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा कान में से पानी निकल रहा है, और वो पानी में से बहुत बास आ रही है, वो जो बास आ रही है मुझे जो स्मेल आ रही है उसके वजह से बोले मैं जहाँ पर भी काम पर जा रही हूँ सब लोग मुझे बोल रहे कि आप 4-5 दिन की छुट्टी ले लीजिए और काम पर मत आइए बोले। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या काम करते हैं आप बोले। बोले मैं लोगों के यहाँ पर ना खाना बनाने का काम करती हूँ, मैं फल के डालती हूँ, ठीक है, मतलब खाना बनाने का काम करती हूँ। तो बोले क्या ना, तो वो स्मेल के वजह से ना सब लोग मुझे बोल रहे हैं, जितने भी 4-5 घर है मेरे वो सब मुझे बोल रहे कि आप आंटी 4-5 दिन की छुट्टी ले लीजिए बोले। बोले वो उनको बोलने के लिए क्या लगता है बोले, वो तो बोल देते कि 4-5 दिन की छुट्टी ले लीजिए बोले, पर अब क्या हो जाता है कि 4-5 दिन की वो छुट्टी मुझे देंगे बोले, पर काम तो उनको करना पड़ता है तो वो मेरी सैलरी कट कर देते बोले। तो क्या है ना बोले, ये काम इसके वजह से बोले अभी क्या हो जाएगा कि आप बोलिए बोले मैं जब 4-5 दिन घर पे रह गई तो महीने में मुझे जितना जितना महीने का मुझे पैसे आने वाले हैं वो तो बहुत कम आएंगे, तो मैं मेरा पूरा महीना कैसे चलाऊंगी बोले, कैसे मैं चलाऊंगी मेरा घर, कैसे मैं करूंगी बोले मैनेज, इनको बोलने के लिए क्या लगता है बोले। अब ये बीमारी है अभी मेरे हाथ में थोड़ी ना है बोले, मैं तो मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं फिर भी जा ही रही हूँ बोले काम पर, ये लोग मुझे आने नहीं दे रहे, इसलिए मैंने आज सोचा कि चलिए आपसे कुछ कि आपको दिखा दूँ घर पर कुछ मैनेज हो रहा नहीं है। कान के मेडिकल पर से कुछ ड्रॉप्स ला के मैंने डाले, मुझे वो जहाँ मैं काम पर जाती हूँ तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये ड्रॉप डाल के देखिए आप, तो मैंने कान में ड्रॉप्स वगैरह डाल के देखे पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं अब आपके पास आई हूँ, ठीक है। ये वो ऐसे केस नरेट करती है मुझे, और वही उसका चलता है कि कैसा होगा मेरा अभी ना, ठीक है, ये सब उसका चलता रहता है। तो इस केस में मैं कुछ सिंपल से रूब्रिक्स लिए। फर्स्ट रूब्रिक मेरा था कि टॉकिंग बिजनेस ऑफ, मतलब क्या ना कि कंटिन्यू वो उसके बिजनेस के बारे में बोल रही, कैसा उसकी बीमारी के वजह से उसके कान के जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसके स्मेल की वजह से उसके काम पर असर हो रहा है, ठीक है, ये उसने बात मुझे एक बोली, ठीक है। उसके बाद मैंने रूब्रिक उठाया, सेकेंड वाला रूब्रिक था मेरा डिल्यूजन पुअर ही इज, मतलब क्या कि वो क्या बोलती है कि 4-5 दिन की मैं छुट्टी ले लूँ तो क्या हो जाएगा कि जो महीने में मुझे पैसे आने वाले हैं बोले तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी तो मैं मेरा पूरा महीना कैसे निकालूंगी। तो वो क्या कर, वो उस मोमेंट पे अपने आप को कमज़ोर समझ रही है, वहाँ कहीं ना कहीं उसको कमी आ जाएगी कोई चीज़ की, वो स्टारवेशन में चली जाए ऐसा उसे लग रहा है, इसलिए मैंने डिल्यूजन पुअर ही इज ये वाला रूब्रिक लिया। ये दो सिंपल से रूब्रिक्स मैंने लिए और मैंने थोड़ा उसके बारे में सोचा, उसकी पर्सनैलिटी देखी और मैंने उसका एक रेमेडी प्रिस्क्राइब की, और वो रेमेडी थी ब्रायोनिया अल्बा, ठीक है। मैंने उसका ईयर का बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज था इस वजह से उसको लोअर पोटेंसी दी, ब्रायोनिया 6 दिया मैंने उसको, और उसको मैंने TDS ब्रायोनिया 6 तो भी 4 से 5 दिनों के लिए रिपीटेशन पे डाला, तब जाके उसका जो जो ये था डिस्चार्ज था वो ड्राई हो गया और उसको काफ़ी रिलीफ मिला, और उसके बाद मैंने उसको अपर पोटेंसी दी 30 पे शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, और धीरे धीरे सब उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए। ये थी मेरी छोटी सी केस और ये थे उसके कुछ रूब्रिक्स। अब देखते हैं हम लोग प्रायोनिया। क्या बात है, क्या चीज है बेसा, क्या बात है, क्या चीज है बेसा, क्या बात है, क्या चीज है बेसा, क्या बात है, क्या चीज है बेसा। प्रायोनिया क्या है ना, ब्रायोनिया एक वर्कहोलिक बंदा है, हमेशा वो प्रॉफिट देखता रहता है, बिजनेस रहता है उसका
हमेशा हर चीज में बिजनेस देखता है, हर चीज में प्रॉफिट देखता है। वो कितने क्या है, अनकॉन्चेबल थर्स्ट, नेवर एंडिंग डिमांड फॉर मोर एंड मोर में है ब्राइनिया। मतलब क्या ना कि उसको कभी सेट, वो कितना भी उसकी जिंदगी में कमा ले, गरीब रहे या अमीर रहे, कितना भी वो उसकी जिंदगी में कमा ले, उसको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है कि वो जो कुछ भी कमा रहा है, जो कुछ भी उसके पास है अभी, सेटिस्फाइंग है। ऐसा कभी वो सेटिस्फाइड रहता ही नहीं उसकी लाइफ में, ठीक है। अभी ब्राइनिया जो है ना, वो ईगोटिज्म ये वाले रेमेडी रूब्रिक में है ही नहीं। जो ब्रायोनिया है वो डाउन, अभी कभी भी अपने को, जब भी ब्रायोनिया अपने सामने आता है, वो प्रेजेंट करता है, तो आपसे ना एक अच्छे पीच में बात करेंगे, एक पोलाइट पीच में बात करेगा। वो गरीब भी रहा या अमीर भी रहा तो भी, क्यों? क्योंकि ना वो हम्बल में है, ऑनेस्ट में। वो जो ब्रायोनिया है वो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा डाउन टू द अर्थ वाला बंदा है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना अमीर है, उसने ये काम करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस उसको एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है कि वो उसका बिजनेस कैसे चलाए, वो हर चीज़ में प्रॉफिट कैसे देखे, ठीक है। ये होता है ब्रायोनिया। उसके बाद में ब्रायोनिया में कुछ और रूब्रिक्स है, जैसे कि डिल्यूजन, वर्क अकम्प्लिश ही हर वर्क शी कैनॉट। उसके बाद में डिल्यूजन राइजिंग, कुड नॉट राइज अप ही स्टॉप, कुड नॉट राइज अप अगेन इफ ही। उसके बाद में एंजाइटी, बेड, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, जंपिंग बेड आउट ऑफ, ठीक है। ब्रायोनिया में एक और रूब्रिक है कि विशेष टू गो होम फॉर। मतलब क्या ना कि ब्रायोनिया का जो होम होता है ना, वो उसका बिजनेस प्लेस होता है, फिर वो कोई भी हो। जैसे कि ये जो लेडी थी, वो लोगों के यहाँ घर पे खाना बनाने के लिए जा रही है, ठीक है। इतनी बीमार होती है, इतनी बीमार है, फिर भी उसे लग रहा है कि वो उसका काम ना छोड़े, घर लोगों के घर पर ही खाना बनाने के लिए जाइए, आराम करने का उसका मन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये केस में ना, उसके लिए होम क्या है ना, वो लोगों के घर, जहाँ वो उसकी वर्क प्लेस है, ये उसका होम है। इसलिए ये रूब्रिक्स में ब्रायोनिया है। अभी बात ये आती है कि बहुत सारे रूब्रिक्स है ब्रायोनिया में अलग अलग, तो जो ब्रायोनिया है वो डिलीजन पुअर में कैसे है, क्यों है ना, उसके पीछे का वाय क्या है, कि वाय क्या है कि जब भी ब्रायोनिया को उसका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, उसका प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है, जब भी उसे ऐसा लग रहा है कि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं तो भी कम हो रहा है, उस पर कहीं तो भी असर पड़ रहा है, तब वो अपने आप को पुअर फील करता है। वो कितना भी बीमार रहा, वो कितने भी वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गया, तो भी उसको पुअर फीलिंग नहीं आती है। पर उसका बिजनेस थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, कहीं पर भी थोड़ा सा भी कमी आ गई, पैसे में बोलो, उसके वर्क के प्लेस पे बोलो, तो ब्रायोनिया को तुरंत पुअर फीलिंग आने लग जाती है। यहाँ पे जाके ब्रायोनिया पुअर होता है, ठीक है। हो गाइस, मुझे लगता है कि डिल्यूजन पुअर ही इज में ब्रायोनिया क्यों है, या आप लोगों को समझ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।